I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे channel पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माई डियर फ्रेंड्स एंड माई व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं लव इन जीसस प्रोग्राम में मुख्तलिफ लोगों को, डिफरेंट पर्सनैलिटी को आपको मिलवाता हूँ. आज हम जिस इदारे में यहाँ पर आए हैं लव इन जीसस प्रोग्राम में, उनकी लोकेशन दिखाने के लिए, ये मैं समझता हूँ कि उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि ये काम करते हैं. और ये खिदमत है, खुदा ने हमें खिदमत का मौका दिया कि यहाँ करना, ऐसे लोगों की यहाँ पर खिदमत होती है. आप खुद देखेंगे लोकेशन को, सारी चीज़ों को, कि बहुत ही डिफरेंट है. तो मैं समझता हूँ हमारे लिए एक बड़ी ऑनर की बात है कि यहाँ पर आए हैं ताकि यहाँ की आपको लोकेशन दिखाई जाए. ओके माय डियर, ज़रूर देखें कि यहाँ दारुल सुकून में क्या काम होता है. ये इसकी हिस्ट्री हम देखेंगे, इसकी डॉक्यूमेंट्री देखेंगे कि क्या होता है. ओके माय डियर, थैंक यू सो मच. माई डियर फ्रेंड्स, आज हम दारुल सुकून में मौजूद हैं. और दारुल सुकून में आपको पता है कि यहाँ पर जो बहुत ही ऐसे लोगों की खिदमत की जाती है, ऐसे लोगों को यहाँ पर रखा गया है जो कि जिन लोगों को यहाँ पर अपने मुआशरे से बिल्कुल लैदा किया जाता है. इसकी अगर हिस्ट्री हम देखते हैं कि एक हॉलैंड की सिस्टर थी, उसने ये शुरू किया. ये 1969 में ये स्टार्ट हुआ. वो एक बेंगलोर से उन्होंने शुरू किया क्योंकि वो विज़िट किया करती थी. और अगर आज हम देखेंगे डिफरेंट व्यूज, दूसरों से सुनेंगे ये कैसे सब कुछ ही हुआ. तो उस सिस्टर ने जब विज़िट किया तो लोग ऐसे बच्चों को रखना पसंद नहीं करते थे जो कि मेंटली या हम फिज़िकली हम देखते हैं कि जो सही नहीं है, तो उनको रखते नहीं थे. तो सिस्टर ने ये कोशिश की कि यहाँ पर ये करने की, और उसने ये इदारा बनाया दारुल सुकून. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि लव इन जीसस प्रोग्राम में हम हमेशा आपको ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाते हैं, ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके. तो आज जो है हम दारुल सुकून में मौजूद हैं. उनके मैनेजर जो हैं सेमिन प्रेरा हमारे साथ हैं. हम उनसे बात करेंगे, उनके साथ सारा विजिट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इनसे मोटिवेशन जो है हमें कैसी मिलती है. और ये वाकई ऐसे लोगों को ख्याल करना, लुक आफ्टर करना, वाकई खुदा ऐसे लोगों को भेजता है कि ऐसे लोगों की खिदमत किया जाए, जिनमें से ये दारुल सुकून के लोग भी ऐसे हैं जो कि खिदमत करते हैं. कहते हैं कि आसमान पर तो फरिश्ते हैं लेकिन ज़मीन पर भी खुदा ने फरिश्तों की तरह लोग भेजे हैं जो कि खिदमत करते हैं. जी आप कैसा फील करते हैं कि यह दारुल सुकून में कितनी देर से हैं आप? मुझे तो यहाँ एक समझिए एक साल से ऊपर हो गया है, लेकिन ये इदारा पिछले 54 साल से 54 ईयर्स हो गए उसको. 17 फरवरी को हमने सेलिब्रेट किया है. शुरुआत तो यहाँ सिस्टर्स ने किया था, सिस्टर गर्ट्रूड और सिस्टर रूथ, और इन्होंने बड़ा काम यहाँ किया है माजूर बच्चों के साथ, जिस्मानी माजूरी, जहनी माजूरी. तो इनकी खिदमत, इनकी जितनी भी हम दाद दें कम है, क्योंकि
ये काम जो शुरुआत इन्होंने की है और यही कर सकते हैं, और हमने तो सिर्फ एक एक हम एक ज़रिया बने हैं इनके काम को हम आगे ले जा रहे हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा हम तो यहाँ पर इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ दारुसुकून का जो हेड ऑफिस है, यहाँ पर हमारे पास टोटल 325 के करीब बच्चे यहाँ पर हैं। एक और हमारा ब्रांच है जो राशिदाबाद में, वहाँ पर भी तकरीबन 300 के करीब है। एक हमारा सीनियर सिटीजन्स होम है जहाँ पर ओल्ड एज या सीनियर सिटीजन्स हमारे हैं जो कि तकरीबन 115 के करीब वहाँ हैं। तो इस तरह के ये काम हम लोग सोसाइटी को एक गवर्नमेंट की हेल्प से और जितने भी डोनर्स की हेल्प से हम लोग ये इदारा टोटली चैरिटी पे चला रहे हैं। ये टोटली जैसे चैरिटी पे सर, ये तो मैं समझता हूँ कि ये खुदा की एक ब्लेसिंग है कि आप जैसे लोगों के ज़रिए से खुदा ये अपने काम करता है, दिखाता है। तो मैं समझता हूँ कि हम विज़िट करते हैं कि कहाँ कैसे हम करेंगे, क्या कुछ यहाँ पर किया जाता है। माय डियर फ्रेंड, अभी हम विज़िट करेंगे, देखेंगे कि कैसे कौन से बच्चे कौन से लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। हम अभी इनके साथ चलते हैं ताकि हम देख सकें। जी सर, तो ये कौन सी वार्ड है ये? ये एक हमें हम इसे कहते हैं डॉमेट्रीज। डॉमेट्रीज में इस वक्त जो है लगभग 25 के करीब छोटी बच्चियाँ जिनकी उम्र जो है वो एक साल से ले कर 8-10 साल तक यहाँ पर होती हैं। तो यहाँ हम आके देखें, ये सारी बच्चियाँ जो हैं सेरेब्रल पल्सी से मुब्तला हैं, जिसका मतलब ये है कि बॉडी या हेड मूवमेंट ये लोग नहीं कर सकते। ये अपने आप को मेंटली तौर पे चैलेंज भी हैं और थोड़ी अच्छी तरह से बैठ भी नहीं सकते। तो आएँ यहाँ पर हैं, यहाँ पर किस एज के बच्चे मोस्टली यहाँ रखे जा रहे हैं? यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि एक साल से भी कम बच्चे यहाँ पर हैं और अप टू 60 इयर्स तक भी बच्चे, जिसे कहते हैं ना कि मेंटली चैलेंज्ड अडल्ट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि हमारे ऊपर वाले फ्लोर्स पे होते हैं और उस वाले वार्ड में छोटे बच्चे। तो यहाँ पर मेरा कैमरामैन दिखाना चाहे तो ये सारी वार्ड्स को दिखा सकता है। ये बहुत सारे बच्चे हैं जो कि कह सकते हैं मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से जो सही नहीं है, लेकिन ये इनकी खिदमत करते हैं, इनको ख्याल करते हैं। और मेरा ख्याल है कि इनकी खिदमत करना, इनका काम करना ये बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ के जितने भी वर्कर हैं जो कि वाकई ये खिदमत करते हैं तो इनका सिला तो खुदा ही देता है। देख सकते हैं कि मेरा कैमरामैन दिखाता है कि ये बहुत सारे बच्चे जो जिस तरीके से हैं, मैंने मेंटली और जिस्मानी जब देखते हैं हम कि वो वाकई सही तरीके से बैठ भी नहीं सकते हैं। और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी खिदमत है यहां पर जो की जाती है दारुल सुकून में। ये हमारी एक सीनियर स्टाफ हैं बिल्किस जी। जी बिल्किस जी, तो ये सर अब मैं पूछना ये चाहता हूं कि ये बच्चे जो हैं ये कैसे यहां तक पहुंचते हैं? ये सारे बच्चे जो हैं ना, कुछ जो हैं हमारे गेट पे छोड़ जाते हैं। जी जी, कुछ हमारे गेट पे छोड़ जाते हैं, कुछ जो है हमारा एडमिशन का एक डे होता है। ओके। हर सैटरडे जो सैटरडे पहला सैटरडे मंथ का होता है हम एडमिशन्स लेते हैं। ओके। और पेरेंट्स आते हैं कि घर में हम उनको टेक केयर नहीं कर सकते तो हम इनको फिर एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं ये जो सीनियर इनकी जो बल्कि जो स्टाफ हैं उनसे बात करते हैं कि बच्चों को लुक आफ्टर करने में मुश्किल तो नहीं आती आपको? जी नहीं, कोई नहीं। नहीं तो क्या फील करते हैं जब इनको इतनी खिदमत करना जैसे हैं बच्चे? जो माँ अपने घर में अपने बच्चों को जिस तरह संभालती है, जिस तरह ख्याल रखती है, इसी तरह हम लोग भी यहाँ पे आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं, हम इन्हें इसी तरह जो माँ संभालती है इसी तरह हम लोग इनका केयर करते हैं, इसी तरह इनका खिलाना पिलाना निलाना दुलाना खाना खिलाना सब हम खुद कर लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, जैसे कि ये बल्कीज बता रही हैं यहाँ की सीनियर स्टाफ हैं, ये वाकई बहुत मुश्किल है। घरों में इतना मुश्किल होता है यहाँ पर जिस तरीके से करना, मैं सिर्फ उन लोगों को कहता हूँ कि ये ज़रूर इस वीडियो को देखते हुए आप यहाँ पर पहुँचें और वाकई आप वैसे अगर खिदमत नहीं कर सकते कुछ माली तौर पर यहाँ पर ज़रूर इनकी हेल्प करें। ये इतने बड़े इदारे को दारुल सुकून में जो इनका मेन हेड ऑफिस है वहाँ पर हम मौजूद हैं और वो जो है किस तरीके से खिदमत करते हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है जो कि इतना काम करना। थैंक यू।
माय डियर फ्रेंड, जैसा कि मैंने कहा, हम दारुल सुकून हेड ऑफिस में मौजूद हैं और यहाँ की हम सिचुएशन जो यहाँ पर हमने देखी, वाकई यहाँ पर ऐसा आम तौर पर भी घरों में सफाई सुथराई नहीं होती या दूसरे हॉस्पिटल में, लेकिन ये एक इदारे में इतनी सफाई के साथ, और ये उनका मेडिकल डिपार्टमेंट है जो कि इसको इमरान मुश्ताक इसे रन करते हैं, उनके इंचार्ज हैं यहाँ पर, और किस तरीके से यहाँ काम करते हैं, कोई बच्चा अगर बीमार हो जाता है कोई भी यहाँ पर, तो उसको कैसे लुक आफ्टर करते हैं, उनसे बात करते हैं। जी इमरान, गुड इवनिंग। मेरा नाम इमरान मुश्ताक है और मैं यहाँ पे मेडिकल हेड हूँ नर्सिंग का। तो मैंने जब यहाँ पे ज्वाइन किया तो मैंने एक चीज़ फील की कि अगर मतलब हमारे बच्चे हों तो हम उनको बड़ी से अच्छी जगह लेके जाते हैं। तो हमने फिर डिसाइड किया कि हम क्यों ना हम इनको आगा खान लेके जाएंगे। आगा खान जैसे हॉस्पिटल में हर कोई अपने बच्चों को लेके जाना चाहता है कि हम उनको वहाँ पे लेके जाएं और वहाँ पे उनकी निगहदाश्त करें। जब हम पेशेंट का एडमिशन फर्स्ट टाइम करते हैं तो हम पेशेंट के सारे माली हालात को मद्देनज़र रखते हुए पेशेंट की फैमिली से मिलते हैं, पेशेंट के सारे मसले मसाइल को हम अपने ऊपर ले लेते हैं। मतलब उस बच्चे की टोटली जिम्मेदारी, जब तक वो इस दुनिया में ज़िंदा रहेगा उस वक्त के सारे एक्सपेंस हम लोग अपने ऊपर ले लेते हैं। और दारुल सुकून में ना सिर्फ हम रेजिडेंसी देते हैं 24/7, बल्कि हम लोग मेडिकल असिस्टेंस के साथ साथ दूसरी चीज़ों में भी लोगों की हेल्प आउट करते हैं, जैसे कि हम टीच करते हैं उनके पेरेंट्स को कि अगर आप इनको अपने पास रखें तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ एडमिशन से पहले हम लोग अच्छी जगहों से स्क्रीनिंग करवाते हैं, डायग्नोस करवाते हैं, उनका रिहैब प्लान बनाते हैं ताकि उन माँ बाप को भी एक तसल्ली हो कि हमारे बच्चे सेफ हाथों में हैं। सही है, खुदा के बाद वालदैन का हक है और उसके बाद हम लोग इस फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं ताकि हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से इन बच्चों पे काम कर सकें। इन बच्चों को अपना समझते हुए हम इनकी सारी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं, इनके खाने पीने से लेकर इनकी दवाई से लेकर हर एक चीज़ का हम ख्याल रखते हैं। और ये हमारी जी ये हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ को आप देख लो, इसमें हमारे पास हर एक चीज़ है। मेडिसन्स हैं जो कि ए क्लास मेडिसन्स हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा, और वो हम लोग कंपनी के थ्रू मंगवाते हैं। हम कोई बी क्लास मेडिकेशन इस्तेमाल नहीं करते। हम इनका बकायदा न्यूरोलॉजिकल स्टेटस जो है उसको चेक करते हुए हम हर 3 मंथ्स के बाद इनके टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं, उसके मुताबिक इनकी मेडिसिन एडजस्ट करते हैं, और ये सारी चीज़ें हम रेगुलर रूटीन में यूज़ टू हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग करते रहते हैं। ओके जी। अच्छा, ये बच्चा जैसा कि सर ने बताया आपको कि सर को कॉल आई डॉक्टर नाहिद की, जो कि डॉक्टर नाहिद नास जो है मैटरनिटी होम चलाती हैं मीरपुर खास में, तो उनके पास ये बच्चा 19/4 को पैदा हुआ 2023 को, तो उनके पेरेंट्स ने इसको रखने से इनकार कर दिया। उन्होंने सर को अप्रोच किया, सर से बात की, फिर सर ने मेरे तक लेके आए उनको, तो फिर उनसे हमने पूरी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारा कुछ करवा ली। तो खुदा का शुक्र है, इसके आने से पहले इसका नाम भी हमने हिंदू धर्म के मुताबिक दीप रखा है, और इनके फादर का नाम है पप्पू, और इनका फिर हमने इनके आने से पहले ही आगा खान में रजिस्ट्रेशन करवा दी है। आगा खान में डॉक्टर अली फैसल होते हैं और डॉक्टर फजल रहमान होते हैं जो कि इनको डील करेंगे, और इनका सारा प्लान जो है हम 6 वीक्स में इनकी सर्जरी की तरफ चले जाएँगे और इंशाल्लाह ये नॉर्मल रूटीन में आ जाएगा ये बच्चा। तो माय डियर, जैसा कि आपने अभी बात सुनी कि ये बच्चा जो आया है मीरपुर खास से, मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अजीम काम है कि कहाँ माँ बाप रखना नहीं चाहते लेकिन दारुल सुकून ऐसे बच्चों को भी रखता है और उनके साथ कितना प्यार से उनके साथ बर्ताव करते। मैं कह रहा हूँ आगा खान में उनके ट्रीटमेंट करना ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये इदारा जो है बहुत आसानी के साथ करता है, क्योंकि आप जैसे लोग जब आते हैं यहाँ पर कुछ उनकी हेल्प आउट करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये इदारा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। जैसा कि आपने मेडिसिन अपनी ये सारी डिस्पेंसरी हमने देखी, पूरा आपका डिपार्टमेंट मेडिकल डिपार्टमेंट देखा है, आपकी मेडिसिन को जब हम देख रहे हैं आपके स्टोर को, तो हर एक चीज़ अवेलेबल लग रही है, लेकिन यहाँ जितने बच्चे या जो यहाँ पर हैं उनके मुताबिक आपने मेडिसिन यहाँ पर रखी है? जी उनके मुताबिक हमने रखी है, जैसा कि हमारे पास न्यूरो के और साइकेट्रिक केसेस हैं तो उनकी हमने सारी ए क्लास मेडिसिन रखी है। आप देख सकते हैं इसमें आपको रिस्ट नज़र आएगी जो कि ए क्लास है, आदम जी के प्रोडक्ट है, कैम्प्रो है, डॉसिक है, सारे आदम जी के हैं, एबट का एपीवॉल है जो हमारे पास बहुत ज़्यादा बल्क क्वान्टिटी में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जर्नल आइटम्स भी जो हैं, जो नज़ला खांसी ज़ुकाम इस तरह के हैं, वो भी हमने सारी ए क्लास मेडिसिन
मेडिकेशंस रखी हैं, कोई बी क्लास मेडिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास। और हमारी सबसे बड़ी जो कॉस्ट है यहाँ पर वो इन्फेक्शन कंट्रोल के हवाले से, जैसा कि आपने कहा कि आपको स्मेल यहाँ से नहीं आ रही, कुछ ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हुए हमारे पैम्पर्स की सबसे बड़ी कॉस्ट है। okay. जो कि हम लोग पैम्पर्स वगैरह वो करते हैं, वो जाके आप नीचे स्टोर की तरफ आप देख सको। जी जी, ओके, थैंक यू। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसा कि हमने दिखाया कि दारुल सुकून का ये किचन है और किचन को देखें कितना साफ सुथरा और हर चीज़ अवेलेबल है। यहाँ तकरीबन 350 बच्चे यहाँ मौजूद हैं और उनका तमाम का खाना यहाँ तैयार होता है और सबका डिफरेंट तरीके से डिफरेंट एंगल से मेडिकल टर्म के मुताबिक सारी चीज़ें होती हैं। हम उनके जो शेफ़ हैं हम उनसे बात करते हैं कि वो कैसे सारा अरेंज करते हैं। उनका नाम राजू है, हम राजू से बात करेंगे। जी राजू। जी, ये कैसे आप सब अरेंजमेंट करते हैं इतने बच्चों के खाने का? अच्छा, सबसे पहले ये है कि हम लोग जो ना सुबह ड्यूटी जो टाइमिंग होती है हमारी, सुबह 8 से 6 बजे तक। ओके, इस दो कैटेगरी में जो है हमारे लंच और डिनर होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड शिफ्ट होती है तो वो नाइट में होती है, ब्रेकफास्ट वगैरह। ठीक है, 3 आइटम बनती है, बीच में 9 बजे के टाइम पर कुछ खिलाते पिलाते बच्चों। अच्छा, दूसरी बात यह कि 5 कैटेगरी खाना यहाँ पकते हैं बच्चों का, 5 कैटेगरीज, जिसमें लिक्विड डाइट भी होते हैं, सॉफ्ट डाइट खिचड़ी होते हैं, बल्कि फुल डाइट जो होते हैं बिरयानी, सालन रोटी, चावल, कोरमा, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डाइट बनती है। स्पेशल बच्चों के साथ हमारे जितने बच्चे स्पेशल हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ओनली फॉर चिल्ड्रन, नॉट कॉम्प्रोमाइज। तो आपको तमाम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाता है? मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाता है, क्योंकि मेन्यू लगे यहाँ पर, हर चीज़ मेन्यू के साथ तैयार करते हैं, इसे हम यूज़ करते हैं। टाइमिंग होती है बच्चों का लंच का टाइम जो होते हैं 12 बजे, 12 से लेकर 1 बजे तक टाइमिंग लंच टाइम होते हैं। उसके बाद शाम को जो डिनर जो होते हैं वो 6 बजे होते हैं। ये दो प्रकार के डी एम होते हैं हमारे अंडर में, जो दो काम वही काम करते हैं। ओके, आप सबको टाइम पर खाना मिल जाता है, लंच या डिनर? पंचुअल टाइम पे मिलता है। ओके, ऊपर नीचे नहीं। तो कैसे अरेंज आप करते हैं इतने लोगों का खाना? चार बंदे होते हैं यहाँ पर, चार बंदे होते हैं, 3 हेल्पर हैं मैं शेफ। ठीक है, हर चीज़ में आते हैं हमने काम, हमारे पास 10 चूल्हे हैं, 12 चूल्हे टोटल। जी जी, ठीक है, जैसे आते हैं हम काम शुरू कर जाते हैं। उनके डिफरेंट है, वर्करों का अलग बनते हैं, बच्चों का स्पेशल बच्चों अलग बनते हैं, सॉफ्ट डाइट बच्चे वो अलग बनते हैं। इनके बताए ना 5 कैटेगरी खाना हमारे पास जी जी डिफरेंट खाना होते हैं। और उसके बाद फिर हमारे वर्कर्स हैं 150 वर्कर, उनके खाना अलग। तो ये जो माइंड टाइम जो है ना, हम 4 घंटे में सारा मुकम्मल करके 12 बजे खाना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। ओके, ये डेली रूटीन पर है। ये आपको कभी मुश्किल नहीं हुई कि ये इतना डिफरेंट तरीके से खाना? मेरे ख्याल 20 डिशेज से ज़्यादा बनती है, ज़्यादा बनती है पंडे का ये मेरे ख्याल में कि इतनी डिशेज होंगी। अगर कोई स्पेशल और कुछ बच्चे होंगे तो उनके लिए भी बनती है। डाइट ऐसा होता है ना, जैसे 5 बच्चे अलग कैटेगरी खाने वाले, डाइट अलग बनती है। जी जी, तो टर्न बाई टर्न जो ना स्पीड लेते काम, 4 लड़के होते हैं हमारे पास, हेल्पर भी होते हैं, कुक भी होते हैं, सारे मिलकर एक साथ हम लोग काम कर लेते हैं। तो सारा आराम से, आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर 12 बजे तक लंच टाइम पर मिल जाता है चीज़ें बच्चों के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर, बहुत ही मैं सोच के हैरान होता हूँ कि 350 बच्चों के लिए खाना बनाना और डिफरेंट मेडिकल लिस्ट के मुताबिक उनके डाइट के मुताबिक उनको तैयार करना, ये बहुत ही वाकई मुश्किल है। लेकिन ये जो उनके चीफ चेफ हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया कि हम सारा कुछ वो तैयार कर लेते हैं। तो उनके हमारे साथ जो हेड भी खड़े हैं और मैं समझता हूँ कि उनको सब चीज़ें, कोई उनमें कोई बात ऐसी ऐसी नहीं होगी, बिल्कुल सही वो बताते होंगे कि सारा काम टाइम के मुताबिक होता है। ओके जी, थैंक यू। जी सर, ये यहाँ पर क्या क्या डिपार्टमेंट है, क्या होता है यहाँ पर, बच्चों के साथ क्या एक्टिविटी की जाती है? ये हमारा कहलाता है रिहैब डिपार्टमेंट, रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट। इसमें स्पेशल एजुकेशन, स्पीच थेरेपी, लैंग्वेज थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, म्यूज़िक, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो कराते हैं, जो कि स्पेशल जो बच्चे हैं वो थोड़े से इंगेज रहें। यहाँ जितने भी 350 बच्चे हैं, दिन के वक्त सुबह 9 बजे से लेके 12:30-1 बजे तक यहाँ आते हैं। हमारे 2 क्लासरूम्स हैं जो कि स्पेशल एजुकेशन के हैं, वहाँ पर कुछ होते हैं इनको एक्टिविटीज़, कलरिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, आर्ट्स हो गया, इस तरह की चीज़ें। जो बच्चे सेरेब्रल पल्सी के साथ हैं उनको हम यहाँ पर फिजियोथेरेपी में इनकी एक्सरसाइजेस करवाते हैं। तो हम आपको थोड़ा सा एक राउंड करवाते हैं, क्योंकि ये आप शायद लंच के टाइम। जी जी जी, बिल्कुल।
बैठे होते हैं, वो बच्चों के जो स्पेशल बच्चों के 5 सेंसेस के ऊपर काम करते हैं, जिसमें सेंस ऑफ फीलिंग, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ साइट। तो आइए मैं ज़रा दिखा दूँ आपको किस तरह के एक्टिविटीज़। तो ये जैसे कहते हैं सेंस ऑफ साउंड, ये पहले प्रोसेस साउंड, फिर यहाँ पर फीलिंग करते हैं कि बच्चे जो है ना वो देखते हैं कि क्या चीज़ है, कलर उनको नज़र आते हैं, फिर ये कुछ शेप्स के ऊपर जो हमारे ब्लाइंड बच्चे हैं वो फिर उनके साथ एक सेंस ऑफ फीलिंग करते हैं। ये भी एक सेंस ऑफ रफ और स्मूथ का एक वो एहसास दिलाने के लिए, फिर एक सेंस ऑफ मूवमेंट भी करते हैं कि ये मूवमेंट कैसे हैं, इनको बेसिक चीज़ें सिखाते हैं कि चीज़ों को ऑन या ऑफ कैसे करना है, चीज़ों को घुमाना कैसे है, पहिए कैसे चलते हैं, एक हैंडल कैसे करते हैं, एक चीज़ों को लॉक कैसे करना है। तो ये इन बच्चों को जैसे कहते हैं ना छोटी छोटी घरेलू चीज़ें जो घर में होती हैं वो किस तरह यूज़ करते हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर एक सिंपल लैच या एक सिंपल ज़िप हो गया, एक ज़िप को ओपन क्लोज कैसे करते हैं, और जो लाइट्स हमारे पास बीन बैग के ऊपर बैठ के बच्चे यहाँ पर थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं, लाइट ऑफ हो जाते हैं, ये सारे लाइट्स ऑन होते हैं, इस तरह की इनको एक इनके नर्व्स को काम डाउन एक्टिविटी, कुछ हाँ हाइपर एक्टिव बच्चे बहुत इधर आते हैं ताकि उनके वो या ये चीज़ देखते हैं थोड़े से वो उनके काम डाउन हो जाते हैं। तो इस तरह ये इसे कहते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी रूम। यहाँ पर बच्चों की ग्रिपिंग, उनको ग्रिप कैसे करना है, स्टेयर्स फोबिया जिनको होता है, स्टेयर्स चढ़ नहीं सकते, स्टेयर से उतर नहीं सकते, तो यहाँ उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है कि वो बच्चे स्टेयर्स चढ़ते किस तरह चढ़ाना है, किस तरह उतारना है, फिर वो इंडिपेंडेंटली अपने आप मूवमेंट। हाँ, तो कुछ को फ्राइट होता है, बड़ा डर होता है कि चढ़ेंगे कैसे, उतरेंगे कैसे, तो ये उनको प्रैक्टिस इस तरह करवाते हैं। सर, ये फिजियोथेरेपी रूम है तो इसमें क्या एक्टिविटीज़ मोस्टली की जाती है और कितनी देर के लिए की जाती है? यहाँ पर टोटल आते हैं जो कि हमारे सर्बल पल्सी के जो बच्चे हैं जो कि बेड पे होते हैं, टोटल 60 के करीब बच्चे इधर आते हैं, और हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पर होते हैं जो हमारे फुल टाइम पेड एम्प्लॉइज़ हैं वो तकरीबन 7 होते हैं। उसके अलावा मतलब एक बच्चे के ऊपर इन्होंने डिफरेंट एक्टिविटीज़ और डिफरेंट टाइमिंग के साथ इन टोटल 60-70 चिल्ड्रन इन डेली बेसिस के ऊपर फिजियोथेरेपी, मूवमेंट, ग्रिपिंग, बॉल के साथ करना, थोड़ी सी वॉकिंग प्रैक्टिस करवाते हैं। तो इस तरह देखें आपने यहाँ पर हमारे CP चेयर्स लगे हुए हैं, ये भी CP चेयर्स हैं, तो ये इनके एक्सरसाइज टेबल्स हैं, तो टिल्ट टेबल्स वहाँ पड़े हुए हैं, तो इसी तरह एक एक करके इनका वर्कअप होता है। तो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट जो कि डॉक्टर्स DPT किया हुआ है ज़्यादातर, इसी तरह हमारा जो गैप है वो इस तरह भी पूरा होता है कि यहाँ जितने भी यूनिवर्सिटी से वो यहाँ पर वॉलंटियर के लिए आते हैं, बल्कि इंटर्नशिप करने आते हैं, उनका एक रोटेशन होता है, उनकी क्लिनिकल प्रैक्टिस पूरा करने के लिए कुछ आवर्स इनको यहाँ देने होते हैं। तो इसी तरह हमारे फिर फिजियोथेरेपिस्ट उनको गाइड कर रहे होते हैं कि किस तरह जो बच्चों की हैंडलिंग किस तरह से वो करें। तो होपफुली हम एक जो हमारा एक नेटवर्क चल रहा है इन यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तो ऑन रेगुलर बेसिस पे ये लोग इधर आते हैं और हमारे जो बच्चों को ये ट्रीट करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आपने बहुत सारी बातें सुनी हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि यहाँ पर जो काम किया जाता है ये हमें तमाम, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, देखते हैं, जैसे कि सर ने बताया कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आते हैं, यहाँ पर आके अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं ताकि वो यहाँ फिजियोथेरेपी में डिफरेंट बच्चों के साथ वो टाइम गुजारें, और ऐसे करने से हमें खुशी मिलती है कि वाकई जो किस तरीके से हम दूसरों की खिदमत कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये समझ सकता हूँ कि उन लोगों के लिए जो कि अपना टाइम नहीं दे सकते, वो आकर कुछ अपनी माली मदद करें, वो कभी मांगते नहीं, कोई इश्तियात नहीं उनका, या किसी से वैसे कभी भी वो मांगते नहीं है कि कोई कहा जाए या TV में कोई इश्तियार आए, लेकिन ये खुद फंडिंग लोग खुद यहाँ पर आकर देते हैं ताकि उनका काम ये चलता रहे। तो मैं ऐसे लोगों से कहता हूँ जो कुछ इनकी हेल्प कर सकते हैं दारुल सुकून की, और वो ज़रूर करें ताकि आपको ज़रूर खुदा इसका अजर देगा, खुदा आपको ब्लेसिंग देगा ताकि आप अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में खुश व खुर्रम हो सकें।
हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे काम हैं जो कि हमें मिलते हैं, लेकिन ये काम बहुत अजीम है। सर, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मशीनें पड़ी हैं जो कि जिम के लिए, तो आपका क्या ख्याल है कि इतनी बड़ी बड़ी जिम यहाँ पर सही है? पहली बात ये कि ये जिम जो है ये है सारे स्पेशल बच्चे उन्हीं के लिए है, और ये जितना भी इक्विपमेंट आप देखें ये लोगों ने डोनेट किया है, ठीक है ना। तो इदारे ने बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन लोगों की डोनेशन, लोगों की जेनरोसिटी है कि वो यहाँ। अच्छा, ये जिम्स जो है उन बच्चों के लिए है जो कि हाइपर एक्टिव बच्चे, जो कि ऑटिस्टिक, इतने हाइपर और एक्सट्रीम लेवल पे ऑटिज़म उनको हो जाता है, उनको यहाँ हम लेकर आते हैं उनकी एनर्जी वेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि वो दिन के एंड में इतने थक जाएं ताकि वो एक आराम की नींद सो सकें, क्योंकि नॉर्मली इनका ये है कि वो जागते रहते हैं, उनका वो नहीं होता है, तो इनको थोड़ा सा थकाने के लिए, थोड़ा सा एनर्जी को यूज़ करने के लिए, तो ये उनके लिए एक इंस्ट्रक्टर भी रखा हुआ है जो कि क्वालिफाइड है, तो ये उनको एक प्रॉपर तरीके से जिमिंग भी करवाता है, उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ में भी, पार्क में भी लेके जाते हैं उनको, तो इस तरह के बच्चे हम लोग वहाँ लेके जाते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से दारुल सुकून का मुझे विज़िट करवाया। वाकई नज़र आता है कि यहाँ पर खिदमत बहुत अच्छे तरीके से होती है, उनकी सफाई सुथराई के बारे में, हाइजीन के बारे में आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हुआ है हर चीज़ के लिहाज से। जी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आप क्या इसके बारे में सोचते हैं कि ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं कि ये सब बेहतर हैं? देखिए, बेहतर बेहतर हम जो बच्चों के लिए जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन इसमें काफ़ी हमें आइडियाज़ और हैं जो कि हम इनकी और बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे जो लेटे हुए हैं, कुछ लोगों ने आके कहा कि आया हम जो बच्चे लेटे हुए हैं वो सिर्फ छतों को देख रहे हैं, क्या हम छतों को कुछ रंगीन करें, मतलब कलर स्टार्स पेंट करें, कुछ कलर डालें उसमें। फिर बच्चों का ये होता है कि उनके विजिट्स बाहर कराने हैं, काफ़ी वॉलंटियर्स भी मिल जाते हैं, काफ़ी ग्रुप्स मिल जाते हैं जो कि हमें सपोर्ट करते हैं, और हमें हमारे बच्चों के जो विजिट्स हैं वो स्पॉन्सर होते हैं। तो हम हमेशा इस हमारी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे बारे में आपके चैनल के ज़रिए, दूसरे हमारे बेनिफैक्टर्स हैं उनके ज़रिए इस इदारे के बारे में लोगों को मालूम हो और लोग आके विज़िट करें और इन बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, क्योंकि ये बच्चे आपकी मोहब्बत के इंतज़ार में होते हैं, ठीक है ना। सो दे यहाँ बच्चों के साथ आएँ, फैमिली के साथ आएँ, इनके साथ वक्त गुजारें, इनको आपकी शफकत की ज़रूरत बहुत है। तो सर, मैंने पूरा विज़िट किया था स्कूल का, वाकई बहुत अच्छा लगा है। एक जैसे कहा गया ना, लविंगली पीसफुल एक माहौल हमें मिला, सफाई सुथराई बहुत अच्छा। मैं कह रहा हूँ थैंक्स गॉड के सब कुछ बेहतर है, तो मैं आपकी पूरी टीम की मैं थैंक्स करता हूँ, बहुत ही आपने वंडरफुल जो काम और जो ड्यूटीज़ हैं जो वो कर रहे हैं, जो सर्विस कर रहे हैं, जो खिदमत कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। खुदावंद हमेशा आपको अपनी ब्लेसिंग में रखे, पूरे इदारे को, आप जो वर्कर हैं उनको, और जो बच्चे यहाँ रहते हैं उनको भी। ओके माई डियर फ्रेंड्स एंड माई व्यूवर्स, जैसा कि आपने सारा विजिट कर लिया, सब कुछ देख लिया, तो मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा, आएं दारुल सुकून में, ज़िंदगी को देखें। खुदावंद ने बहुत सारी हमें ज़िंदगी दी, ऐशो इशरत दी है, सब कुछ दिया है, लेकिन यहाँ देखें कि कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, किस तरीके से हमारी ज़िंदगी कैसी है और इनकी ज़िंदगी कैसी, लेकिन ये बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर दारुल सुकून में गुजार रहे हैं। लेकिन आप उनका सहारा बने, उनके साथ आएँ, ताकि वो और भी अच्छे तरीके जो उनके आइडियाज़ हैं, जो वो करना चाहते हैं बच्चों के लिए, ताकि वो कर सकें। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।